तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका सैमसंग गैलेक्सी का मोबाइल लगा स्लो चार्ज हो रहा है या फिर बोल सकते हैं आपको चार्जिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं। अगर आप इन टिप को फॉलो करेंगे हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है काफी हद तक सोल्यूशन मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आप चार्जर यूज कर रहे हैं वो ओरिजिनल चार्जर होना चाहिए और जो केबल आप यूज कर रहे हैं वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए। मतलब कोई भी आपका कोई डुप्लीकेट या फिर कोई ऐसा होनी नहीं चाहिए कि लोकल हो, आप उसको यूज कर रहे हो तो वो भी बहुत प्रॉब्लम देती है मोबाइल को स्लो चार्ज करने में। तो आपको सबसे पहले अगर आप ओरिजिनल नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको उसको ओरिजिनल यूज करना है, उसके बाद आपको अपने मोबाइल को चेक करना है चार्ज करने पर कि वो स्लो चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहला टिप तो यही करना है। उसके बाद दूसरा टिप यह है दोस्तों, जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाएं आप उसको सबसे पहले ऐसी जगह पे चार्ज पे लगाएं जहां पर पहले से कहीं गर्मी नहीं है, मतलब हीट नहीं है। वहां पर हॉट प्लेसेस पे आपको उसको चार्ज पे नहीं लगाना जहां ऑलरेडी गर्म है, क्योंकि मोबाइल जब आप चार्ज पे लगाएंगे वो पहले भी गर्म होगा और चार्ज पे भी और गर्म हो जाएगा, और आपकी अगर जगह भी गर्म है तो और मोबाइल आपका गर्म होगा, जिससे बैटरी भी गर्म होगी तो वो चार्जिंग में आपको स्लो देगा। तो आपको हमेशा हॉट प्लेस पे उसको चार्ज पे नहीं लगाना है, आपको उसको कूल प्लेसेस पे चार्ज पे लगाना है। हॉट प्लेसेस लाइक आपने रख दिया टीवी के नीचे, या फिर आपने रख दिया फ्रिज के ऊपर, या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर ऑलरेडी कुछ गर्मी निकल रही हो और आप उस पर चार्ज पे लगा रहे हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। हमेशा कूल प्लेसेस पे उसको चार्ज पे लगाना है। उसके बाद दोस्तों तीसरा टिप ये है, जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाएं उससे पहले आप सारी एप्स को यहां पर क्लोज कर दें, जितने भी बैकग्राउंड ऐप है आप सबको क्लोज कर दें, ताकि कोई भी आपकी तरफ से कोई बैकग्राउंड में ऐप्स नहीं चले, या फिर कोई आपने रिसेंटली गेम खेला हो या कुछ मूवी देख रहे हो तो बैकग्राउंड में कुछ ऐसा ना चलें। और उसके बाद जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाएं तो पहले तो आप अपने मोबाइल के जो भी आपने कवर लगा के रखा है, ये तो नॉर्मल सा कवर है सिलिकॉन कवर, इससे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपने कोई हैवी कवर लगा के रखा हुआ है तो उसको तो हमेशा निकाल के ही चार्ज पे लगाएं, क्योंकि मोबाइल चार्ज पे लगाने से हीट होता है और आपने ऑलरेडी उसको इतना कवर करके रखा है तो वो दिक्कत हो सकती है। और इस टाइम तो बहुत ही ज्यादा रिस्की है क्योंकि अभी गर्मी बहुत है, तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला है। इसके कारण भी आपका मोबाइल स्लो चार्ज होता है। और जब भी मोबाइल चार्ज पे लगाए तो कोशिश करें आपका मोबाइल हीट नहीं होना चाहिए, कि पहले से ही गर्म हो रहा है और आपने फिर चार्ज पे लगा दिया तो भी स्लो चार्ज होता है। तो इन सब चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। हो सके तो आप जब भी अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाएं, हो सके तो आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ही चार्ज पे लगाना चाहिए। अगर आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करना चाहते तो एक चीज तो जरूर करें, आप इसको फ्लाइट मोड पे करके ही चार्ज पे लगाएं, ये भी बहुत फायदेमंद वाली चीज होती है, इससे भी आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत सही चलती है। तो इन सब चीजों को जो कि मैंने आपको अभी रिसेंटली टिप बताया, पहले तो आप इन सब टिप को फॉलो करना है। अगर इस टिप के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बाद आपको करना क्या है, यहां जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ जाना है बैटरी एंड डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे। आप नीचे जाएंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी एंड डिवाइस केयर, आपको उस पर जाना है। यहाँ जाना है आपको बैटरी पे और यहाँ पर जाना है आपको यूजेस पे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी एप्स यहाँ पर आपकी खुल जाएंगी कि कौन कौन सी ऐप आपने लाइक मैंने लास्ट 7 डेज का देख लिया। अब 7 डेज में मेरी कौन कौन सी ऐप है जो ज्यादा मेरी बैटरी खा रही है, लाइक आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप देख लो कि ऐसी कौन सी ऐप है जिसको आप यूज नहीं करते हैं बट वो फिर भी बैकग्राउंड में चल रही है, तो आपको उन ऐप को वहां से डिलीट कर देना है या फिर बोल सकते हैं अनइंस्टॉल कर देना है, ताकि वो बैकग्राउंड में रन ना हो और अननेसेसरी बैटरी नहीं खाएं। तो आपको यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर देख लेना है, या फिर अगर आप उसको अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप यहां पर जाइए बैकग्राउंड यूजर्स लिमिट पे और यहां पर आप उसको स्लीपिंग ऐप में डाल दीजिए, ताकि वो बैकग्राउंड में रन ना हो और वो आपकी बैटरी ना ही खाए। तो कि होगा क्या, आप अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा रहे हैं और बैकग्राउंड में कोई दूसरी ऐप चल रही है, बैटरी खा रही है, इससे भी मोबाइल स्लो चार्ज होता है। और एक चीज और, जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाएं तो आप उसको यूज ना करें लाइक हॉटस्पॉट या फिर कॉलिंग या फिर एनी अदर एक्टिविटी या कोई मूवी चलाना, आप ऐसा ना करें। वो चार्ज हो रहा है तो सिंपल उसको चार्ज होने दें, क्योंकि अगर आप उसको यूजेस करेंगे तो उसकी बैटरी तो ऑलरेडी स्लो चार्ज होगी, क्योंकि पहले ही आप उसको यूज कर रहे हैं और चार्ज भी हो रहा है और वहां से ड्रॉप भी हो रहा है तो ऑलरेडी स्लो चार्ज होगा, तो आप उसको भी अवॉइड करें। इन सब चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, ये जो मैंने बताया, अगर आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल है
लगभग मतलब कि लाइक 64 GB है, 78 GB, अगर आपकी यहाँ पर 85 या 80 के ऊपर है तो आपको अपने थोड़े मोबाइल की स्पेस को भी खाली कर देना है, उससे भी थोड़ा बहुत फर्क लगता है। ये मेरे को लगता है, ये कोई कोई कहने नहीं वाला, बट ये मुझे ऐसा लगता है कि इसके थ्रू भी वो बैटरी पे असर करता है, तो आपको इसको भी यहाँ पर कम करके रखना है। उसके बाद भी अगर आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो इसी के नीचे जाएंगे बैटरी एंड डिवाइस केयर पे, आपको एक डायग्नोसिस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाना है और यहाँ पर आपको बैटरी का स्टेटस चेक कर लेना है। आप यहाँ पर देखेंगे मेरी बैटरी का स्टेटस नॉर्मल है, मतलब कि बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी की पावर 56% है और लाइफ गुड है, 4500 mAh की मेरी ये बैटरी है, बैटरी इज वर्किंग नॉर्मली। एक चीज बता दूं दोस्तों, अभी मेरे साथ भी यही हो रहा है अभी कुछ टाइम से, क्योंकि गर्मी ज्यादा तेज हो गई है तो मेरा मोबाइल भी बहुत स्लो चार्ज हो रहा है और बहुत जल्दी लो भी हो जा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है और जितना ज्यादा गर्मी होगी, जितना ज्यादा हीट होगी बैटरी, उतनी ज्यादा ड्रेन होगी। तो उसमें घबराने की बात नहीं है कि आपका मोबाइल थोड़ा स्लो चार्ज हो रहा है, हो सकता है ये गर्मी की वजह से या हीट की वजह से भी हो, थोड़ा मौसम चेंज होगा तो आपका मोबाइल फिर भी ठीक हो जाएगा। बट अभी इतनी सारी जो भी मैंने टिप्स बताई, अगर इसके थ्रू भी आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम मतलब, या फिर बोल सकते हैं अभी भी आपका मोबाइल स्लो चार्ज हो रहा है, तो आप एक चीज और कर सकते हैं। एक चीज और मैं ऐड करने वाला हूं दोस्तों, यहां पर आप मोबाइल की सेटिंग पे जाएंगे, यहां पर आप जाएंगे बैटरी एंड डिवाइस केयर पे। आज के टाइम पे दोस्तों होता क्या है, हम लोग सब फास्ट चार्जिंग का यूज करते हैं, आप बोल सकते हैं फास्ट चार्जर का ऑप्शन हमने इसको यूज करके रखा है, बट मैं कहना चाहूंगा आपको इसको अभी फिलहाल तो ऑफ करके रखना चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ा मोबाइल और ज्यादा टाइम लेगा चार्ज होने का, बट जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना ज्यादा वो चलेगा। और एक चीज तो आपको यहां पर इनेबल कर लेना चाहिए, प्रोटेक्ट बैटरी 85% के ऊपर वो चार्ज ना हो। तो एक बार आप इसको भी यूज करके देखिएगा तो आपको फर्क पड़ जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इसको यहां पर फास्ट चार्जिंग को हटा के इसको चार्ज कर लीजिएगा, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसको भी इनेबल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर चाहें तो कर सकते हैं, ये एडिशनल बोल रहा है, इससे स्लो चार्जिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये मतलब स्लो चार्जिंग के हटके जैसे ही बताया मैंने आपको। अब जो लास्ट टिप बताने वाला हूँ उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ से इसको दबा के रखना है, यहाँ दबाने के बाद आपको पावर के बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है और आपको अपने मोबाइल को यहाँ पर सेव मोड पर ऑन कर लेना है। अब सेव मोड होता क्या है, सेव मोड ऐसा एक मान लो एक ऐसा मोड होता है जहाँ पर कोई भी आपकी थर्ड पार्टी ऐप नहीं चलती, जो कि कंपनी की ऐप्स आई होती हैं आपके मोबाइल में, सिर्फ वो ही वर्क करती हैं और जितनी भी ऐप्स आपने डाउनलोड करी या फिर कहीं से भी एपीके से भी इंस्टॉल करी हैं सब बंद हो जाती हैं। इससे फायदा ये होता है कि मान लो अगर कोई ऐप्स आपके बैकग्राउंड में रन कर रही है जो कि आपने डाउनलोड करी हुई है, जिससे आपके मोबाइल की बैटरी को और चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सेव मोड का यूज करके आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, अब जैसे मेरा मोबाइल यहां पर सेव मोड पे ऑन हो गया, अब आप इसके बाद अपने मोबाइल को चार्ज पे लगाइए, उसको यूज करके देखिए, तब भी आपका मोबाइल अगर स्लो चार्ज हो रहा है तो समझिए आपके मोबाइल में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसके बाद, अगर इस सेव मोड में ऑन करने के बाद अगर आपका मोबाइल बिल्कुल सही चल रहा है तो समझ लिए कोई भी ऐसी ऐप है जो आपको दिक्कत दे रही है। आपको ये डिटेक्ट करना है कि मैं कौन सी ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको ये दिक्कत आई, तो आपको उस ऐप को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर देना है। तो सेव मोड ऑन करेंगे तो आप देखेंगे आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका मोबाइल सेव मोड पर ऑन हो गया है। सिंपली अब जितनी भी फालतू जो भी आपने ऐप्स डाउनलोड करी हुई कोई भी यहां पर काम नहीं करने वाली, आप देख सकते हैं कोई भी ऐप काम नहीं करने वाली, जो भी कंपनी से ऐप आई थी सिर्फ वही यहां पर चलेगी। तो आप इसके बाद उसको चार्ज पे लगा के यूज करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि आपका मोबाइल यहां पर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। दोस्तों ये जो कुछ टिप्स बताई है मैंने खुद फॉलो करी हुई और मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, बोल सकते हैं इसका मुझे अच्छे फायदा हुआ है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना है जो मैंने आपको ये बताई है आपके काम की है कि नहीं है। और अगर आपको इसको सेव मोड से हटाना हो तो सिंपली आपको करना क्या है, अपने मोबाइल को यहां पर आप रीस्टार्ट कर लीजिए और आपका मोबाइल अब सेव मोड से हट जाएगा। तो दोस्तों ये जो टिप्स थी, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बोले और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना बोले, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।